बट दिस वॉज नॉट द केस विद मिस्टर शर्मा. लेकिन इस प्रकार की जो समस्या थी वो मिस्टर शर्मा के साथ नहीं थी. ही वॉज अ वेरी डिसेंट मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. वह नियमों को मानने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति थे. ही वॉज अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज एज एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. वह अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक थे, जैसा कि इस देश के प्रत्येक प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए. ही हैड अ स्मॉल फैमिली. उनका परिवार छोटा था. ही कुड ईजली फुलफिल हिज फैमिलीज नीड्स. वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा आसानी से पूरा कर सकते थे. बिकॉज दे वर जस्ट थ्री, क्योंकि वे केवल तीन थे. ही टुक केयर दैट दे शुड नॉट कॉज एनी डिस्टर्बेंस टू अदर्स. वह इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके कारण दूसरों को कोई परेशानी ना हो. ही यूज टू प्ले हिज रेडियो एंड टेलीविजन इन अ मॉडरेट वॉल्यूम. वह अपने रेडियो और टेलीविजन को बहुत ही कम आवाज में चलाते थे. ही वुड मेक इट अ पॉइंट दैट हिज हाउस एंड सराउंडिंग्स वर प्रॉपरली क्लीन. वह इस बात का ध्यान रखते थे कि उनका घर और उसके चारों तरफ का वातावरण पूरी तरह से साफ रहे. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो वेरी गुड. उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी. इफ एनी वन इन द नेबरहुड वॉज इन नीड ऑफ हेल्प. यदि उनके पड़ोस में किसी को भी सहायता की आवश्यकता होती थी, दे वुड रश टू हेल्प. वे उसकी सहायता करने के लिए तुरंत तैयार रहते थे. मिस्टर शर्मा एंड हिज वाइफ मेड इट अ पॉइंट टू वोट. मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी का एक उद्देश्य यह भी था टू वोट, यानी वोट डालना. वेन एवर देयर वॉज एन इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होता था, मतदान होता, इलेक्शन यानी मतदान होता था. दे व्यू दैट वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनका मानना था कि वोट डालना एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. बिकॉज क्योंकि दे कुड गेट अ बेटर गवर्नमेंट, कि वे एक अच्छी सरकार दे सकते थे. विच कुड सर्व द नेशन एंड वर्क फॉर इट्स वेलफेयर. अपने राष्ट्र को जो उनके कल्याण के लिए कार्य करे. सो चिल्ड्रन अवर फैमिली शुड ऑल्सो बी लाइक द फैमिली ऑफ मिस्टर शर्मा. इसलिए बच्चों, हमारे परिवार को कैसा होना चाहिए? मिस्टर शर्मा के परिवार की तरह. वी मस्ट टेक केयर दैट अवर पॉपुलेशन शुड नॉट इंक्रीज. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें विस्तार ना हो. कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो वॉट विल हैपन, कि यदि क्या होगा इफ यदि एवरीबडी स्टार्ट थिंकिंग एंड बिहेविंग लाइक मिस्टर खन्ना एंड फैमिली. कि प्रत्येक व्यक्ति यदि मिस्टर खन्ना और उसके परिवार की तरह सोचना और बिहेव करना, व्यवहार करना शुरू कर दे. वॉट वी नीड आर सिटीजन्स हु आर अवेयर. हमें जरूरत है, आवश्यकता है सिटीजन्स, ऐसे नागरिकों की, हु आर अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज, जो अपने कर्तव्यों और लॉयल ईमानदारी के लिए जागरूक हैं टूवर्ड्स देयर कंट्री. किसके प्रति? अपने देश के प्रति. इफ ऑल ऑफ अस परफॉर्म अवर सिविक ड्यूटी सिंसियरली. यदि हम सब ईमानदारी से अपने नागरिक कर्तव्यों को का नियत समय पर काम करेंगे, इंडिया विल डेफिनेटली प्रॉस्पर एट अ ग्रेटर स्पीड. हमारा जो भारत है वो निश्चित तौर पर बहुत तेजी से समृद्ध होगा.